चलिए, अभी तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़े हैं और अब हम थोड़ा ऐसी आर्ट जो ए है कंडक्टेंस का, सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ते हैं। वो जो सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉलरॉस लॉ। अच्छा, कॉलरॉस लॉ का यूज क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। दिस लॉ इज यूज टू डिटरमाइन लैम्डा एम नॉट, मतलब इस लॉ का यूज लैम्डा एम नॉट को निकालने के लिए यूज होता है। सर, ये लैम्डा एम नॉट क्या होता है? लैम्डा एम सी तो सुना था हमने सर, मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम नॉट क्या होता है बेटा? लैम्डा एम नॉट भी लिख सकते हैं और लैम्डा एम इन्फिनिटी। लैम्डा एम नॉट भी लिख सकते हैं और लैम्डा एम इन्फिनिटी। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। मतलब जब डाइल्यूशन इन्फिनाइट हो तब उस समय मोलर कंडक्टिविटी क्या होती? लैम्डा एम नॉट या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो अच्छा, एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉलरॉस लॉ का यूज लैम्डा एम नॉट को निकालने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा सर, लैम्डा एम सी क्या था? वो मोलर कंडक्टिविटी। उसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, कापा इंटू सी अपॉन कापा इंटू 1000 अपॉन सी। और ये लैम्डा एम नॉट कहां से निकालते हैं? कॉलरॉस लॉ से। अच्छा, इसकी यूनिट भी सेम होती है जो लैम्डा एम सी की होती है, क्लियर है? अच्छा सर, निकालते कैसे? कुछ नहीं है, तीन स्टेप जनरली फॉलो कर, थ्री और फोर स्टेप आप फॉलो कीजिए और लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। पहले जो भी इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा उसकी आपको लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकालनी होगी। तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट ब्रेक द इलेक्ट्रोलाइट, पहले उस इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या कर दीजिए? ब्रेक। फिर उसके फॉर्मूला बनाइए, मेक द फॉर्मूला, और फिर उसमें वैल्यू रख दीजिए और आप गेट द आंसर, और फिर आपको आंसर आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर MgCl2, CaCl2 और NaCl, और ये सारी चीजें हम लोगों को क्या है? गिवन है। तो एक एक करके हम तीनों की लैम्डा एम नॉट निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? चलिए सबसे पहले हम लोग MgCl2 निकालते हैं। तो मैंने पहले स्टेप क्या बोला था कि फर्स्ट ब्रेक द इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। MgCl2 कैसे ब्रेक होता है? Mg+2 और Cl-। कैसे ब्रेक होता है? Mg+2 और Cl-। Mg कितने हैं? एक है, तो यहां भी कितना है? एक। Cl यहां भी कितने हैं? दो। तो आपने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? टू का। फर्स्ट ब्रेक द इलेक्ट्रोलाइट, फिर मेक द फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला बनाइए। कैसे फॉर्मूला बनेगा सर? लैम्डा एम नॉट MgCl2। फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसका लैम्डा एम नॉट, किसका लैम्डा एम नॉट? Mg+2, किसका? Mg+2 का। और फिर किसका लैम्डा एम नॉट? Cl- का। और Cl- हमारे कितने हैं? टू है, तो टू का मल्टीप्लाई आ गया। सबसे पहले हमने इसको ब्रेक किया, फिर हमने फॉर्मूला बनाया, अब हमारा काम है वैल्यू को रखना। सर इसकी वैल्यू कितनी की देखिए जरा, Mg+2 की वैल्यू आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगी। कितनी गिवन है सर? 106.1। अच्छा सर, Cl- की कितनी गिवन है? 76.3। और यहां भी कितने का मल्टीप्लाई है? टू का, तो 2 × 76.3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 106.1। और आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, और 1 × 8 = 7 = 14 और 15। क्लियर है? अगर आप आंसर लाना चाहते हैं तो इनको आप क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। 6 और 1 क्या हो गया? 7 हो गया। और 6 और 2 क्या हो गया बेटा? 8 हो गया। और 0 और 5 क्या हो गया? 5 हो गया। और 1 और 1 क्या हो गया? 2। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो आंसर तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये CaCl2 सेम निकालना है बेटा। सबसे पहले CaCl2 को ब्रेक करो, फॉर्मूला बनाओ और वैल्यू को रखो, आंसर आ जाएगा। सर NaCl का और निकाल के बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, चलिए मैं NaCl का निकाल के दिखाता हूँ बेटा। कैसे टूटेगा ये? ये टूटेगा Na+ और Cl-, Na+ Cl-। तो सर पहले तो हमने इसे तोड़ लिया, अब हम लोग क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। फर्स्ट ब्रेक देन मेक द फॉर्मूला। तो हमने अब NaCl का लैम्डा एम नॉट का क्या बनाया? फॉर्मूला। क्या बनेगा? इसका लैम्डा एम नॉट प्लस इसका लैम्डा एम नॉट। किसका लैम्डा एम नॉट? Na+ का। और किसका लैम्डा एम नॉट? किसका? Cl- का, Cl- का। क्लियर है? वहां पे थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको Na+ की? सर Na+ की वैल्यू गिवन है 50.1। सर Cl- की वैल्यू कितनी गिवन है? 76.3। आप इनको प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 134 और 6 और 57 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा बेटा? 12, 126.4। और यूनिट एज इट इज सेम रहेगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग लैम्डा एम नॉट निकालना सीख लिया। कैसे सीखा? कॉलरॉस लॉ की मदद से हम लोग लैम्डा एम नॉट निकाल लेते हैं। कौन से इलेक्ट्रोलाइट का? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग लैम्डा एम नॉट निकाल लेते हैं। कैसे? फर्स्ट ब्रेक द इलेक्ट्रोलाइट,
मेक द फॉर्मूला पुट द वैल्यू गेट द आंसर. अच्छा एक चीज सर, लैमडेमनेट को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. और क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन. ठीक है, समझ में आ गया. अच्छा एक न्यूमेरिकल देखो, इसका यूज होगा अभी हम लोग कॉलरास लॉ की जो एप्लीकेशन है उस पर एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आने वाला है इस साल. तो जो इसकी एप्लीकेशन, तीन एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन का आखिरी के दो एप्लीकेशन को यूज करके एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे. चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसकी किसी एप्लीकेशन ऑफ कॉलरास लॉ. तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा और मजा भी आ रहा होगा हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं. चलिए तो अब हम लोग न्यूमेरिकल किस पे पढ़ने, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरास लॉ. क्या पढ़ने हैं सर, एप्लीकेशन. सर क्या पढ़ने हैं, एप्लीकेशन. तो एक बात जरा ध्यान करके सुनिए, अभी हम लोगों ने क्या किया था, लैम्डा एम नॉट कॉलरास लॉ की मदद से निकाला था. तो जरा ध्यान से देखिए, इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. किसकी हेल्प से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से वी कैन डिटरमाइन, वी कैन क्या बेटा, डिटरमाइन. क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, लैम्डा एम नॉट किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. बेटा सर समझ में हमें बिल्कुल नहीं आया, कैसे सर क्या बोल रहे हैं आप. मैंने बोला कि अभी तक बेटा CaCl2, MgCl2 और NaCl, ये तीनों के तीनों क्या थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. उनके लिए आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी जाती है तो आप निकाल सकते हैं. पर सर वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर वैल्यू नहीं दी जाएगी तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका भी तरीका है. जरा ध्यान से देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में करता हूँ उस क्वेश्चन में, चलिए ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर CH3COOH. CH3COOH कैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू क्या क्या मैंने जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको वैल्यू के बने लैम्डा एम नॉट HCl की, किसकी जो बेटा HCl426. मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, यूनिट सेम है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. लैम्डा एम नॉट NaCl, टाइम को हमें ज्यादा से ज्यादा बचाना है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है. 126 पर यूनिट आप पेपर में नहीं छोड़ेंगे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लिखेंगे ही लिखेंगे इसमें. ठीक है, CH3COONa इसमें गिवन है 91. क्लियर है, तो ये आपको ये वैल्यू गिवन है. सर इसमें तो ये पहले तुम लोग इसको ब्रेक करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे और फिर सर ये वैल्यू गिवन कैसे यूज करेंगे. जरा ध्यान से देखिए, फॉर्मूला वही रहेगा, जब भी आपको लैम्डा एम नॉट निकालो फर्स्ट ब्रेक द इलेक्ट्रोलाइट, मेक द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. बस में एक स्टेप चेंज होने वाला है सर, CH3COOH कैसे टूटेगा. बेटा जब भी COOH हो ना तो COOH को COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में हम लोग तोड़ देते हैं. कैसे तोड़ देंगे, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव हम लोगों ने तोड़ दिया. अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, फॉर्मूला. क्या बनाएंगे, फॉर्मूला किसका, CH3COOH का. देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका लैम्डा एम नॉट प्लस इसका लैम्डा एम नॉट. लीजिए सर लैम्डा एम किसका बना दिया, CH3COO नेगेटिव और प्लस लैम्डा एम नॉट किसका, एच पॉजिटिव. सर वैल्यू कहां से रखे, ये वाली वैल्यू तो हमें दी नहीं गई. यही फर्क होता है वीक में और स्ट्रॉन्ग में. स्ट्रॉन्ग के केस में आपको डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, वीक के केस में आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दे, अगर नहीं दे रहे हैं आपको स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, इसकी मदद से आप कैसे निकालेंगे. अच्छा सर ऐसा क्यों होता, खैर क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट नहीं होता इसलिए, बस इतना जान लीजिए. ठीक है सर कैसे निकालेंगे इनकी मदद से, तो आपको CH3COOH- दिख रहा है किसी में, हाँ हमें दिख रहा है, दिख रहा है ना लास्ट वाली में, देखो दिख दिया. और क्या H प्लस दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, हमें दिख रहा है, हाँ हमें भी दिख रहा है, कौन सा पहला. तो जिसमें ये दोनों चीजें दिख रही हो उनको आप जोड़ दीजिए, ये किसमें दिख रहा है, लैम्डा एम नॉट CH3COONa दिख गया ना आपको, प्लस एच प्लस किसमें दिख रहा था, लैम्डा नॉट HCl. सर दिख गया हमें ये चीज, पर सर दो चीजें तो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई ना, देखो Na एक्स्ट्रा आ गया, Cl एक्स्ट्रा आ गया, तो सर NaCl भी दो है, इसको माइनस कर दीजिए तो ये दोनों चले जाएंगे. तो माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl. बेटा क्या किया हमने, जरा ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट ये ब्रेक किया, फॉर्मूला बनाया. अब ये वैल्यू क्योंकि हमें गिवन नहीं थी डायरेक्ट, ये सारी गिवन थी, तो ये आयन किसमें दिखा हमें, इसमें. क्लियर है,
एच प्लस किसमें दिखा, इसमें, तो जिसमें ये दोनों आयन दिखे उनको आप जोड़ दो। अब जो बचे हुए हैं इसमें, जैसे ये चीज एक्स्ट्रा आ गई ये चीज, तो उसको हटाने के लिए इस चीज को क्या कर दिया, माइनस। अब इनकी वैल्यू रख दो, देखो सर वैल्यू कितनी है, सी एस थ्री सी डबल ओ कहने की 91, एस सी एल की सर कितनी है 426 और एन ए सी एल की कितनी है 126। आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, आ गया ना, क्लियर है। चलिए तो हम लोगों ने पहला एप्लीकेशन पढ़ लिया है किसका, कोलरोस लॉ का। अब जो सेकंड और थर्ड है, मजा आया ना फर्स्ट में, लैम्डा एम नॉट किसकी निकाल सकते हैं, बीक की, किसकी मदद से, स्ट्रॉन्ग की मदद से। लैम्डा एम नॉट जब भी निकालना हो, फर्स्ट ब्रेक द फॉर्मूला, मेक द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, क्लियर है। अब हम लोग इसकी सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से ही एक लॉन्ग आंसर बनता है। लॉन्ग आंसर मतलब तीन मार्क्स का थर्ड, तीन मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्लियर है। थ्री मार्क्स का तो क्वेश्चन बन ही जाता है उससे, जरा ध्यान से देखिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन। सर सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन में ऐसा क्या है, जरा ध्यान से देखिए। सेकंड में निकालते हैं लोग अल्फा, अल्फा का मतलब होता है सर क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। अभी आपको ये कुछ नहीं जानना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बस न्यूमेरिकल लगाना है, तो बस अल्फा का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट्स सफिशिएंट। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। सर ये कुछ जानी पहचानी चीजें लग रही है, लैम्डा एम नॉट कहां से निकालते हैं, कोलरोस लॉ से, उन तीन स्टेप से, और लैम्डा एम सी कहां से निकालते हैं, एक फॉर्मूले से, कहां से निकालते हैं, डिटरमाइन, डिटरमाइन करते कौन से फॉर्मूले से, अगर आपको याद हो लैम्डा एम सी कापा इंटू 1000 अपॉन सी, और एक फॉर्मूला होता है कापा अपॉन सी, पर ज्यादातर यही यूज करते थे, याद है ना। चलिए अब देखो अल्फा जो निकालने को आएगा वो दो तरीके से है, आपको दोनों की वैल्यू कितनी देंगे आप निकाल लोगे। एक तरीका और है, कैसा सर, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आपको दे दी, इसकी वैल्यू आपको नहीं दी, क्या दे दी है, कापा और सी, तो पहले कापा सी से क्या निकालोगे, लैम्डा एम सी इसमें रखोगे, इसमें रखोगे अल्फा निकल आएगा। एक तरीका और है सर, एक तरीका आप कौन सा है बेटा, ये वैल्यू दे दी, ये दे दी, और इसके आइंस की दे दी, तो पहले ये भी निकालो, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा ना, क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। तीसरा सर, तीसरा एप्लीकेशन है के भी निकाल सकते हैं, के सर क्या होता है, के होता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, क्या होता है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, क्या होता है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, सी अल्फा स्क्वायर माइनस वन माइनस अल्फा, क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, के निकाल लेते, क्या निकाल लेते हैं, के। अब इन एप्लीकेशन का हमें यूज करना है, बहुत ध्यान से देखिए, सी क्या होता है, कंसंट्रेशन, और अल्फा आपको गिवन होगा, क्लियर है। चलिए हम लोग अब हम लोग न्यूमेरिकल की ओर डिफाइन करते हैं। चलिए लिखे हुए मैंने उधर, शाबाश। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये बेटा, ध्यान से, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन्हीं दोनों को न्यूमेरिक फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग, या इसको निकालना सीख गए तो ये तो निकल ही आएगा, क्लियर है। चलिए द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर, मोलर से तो बहुत पुराना नाता है तुम लोगों का, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन की गहराई में बिल्कुल मत जाइएगा कि सर क्वेश्चन बड़ा हो रहा है सर, कैसे पढ़ेंगे हम, पढ़ना नहीं है बस देखना है, और देखो वैल्यू निकालो और कर दो, ठीक है। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या बेटा, कैलकुलेट क्या, इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो एक तो क्वेश्चन यहीं तक बन गया, बन गया नहीं बन गया, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं डायरेक्ट लिख दू ना, एंड अल्फा क्या निकालना है, लो चलो मैं लिख देता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। अच्छा सर आपको और क्या गिवन है, आपको लैम्डा एम नॉट गिवन है बेटा, लैम्डा एम नॉट कितना गिवन है, 390.5, और यूनिट वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वही हमारी क्या होगी, यूनिट होगी। तो और एक चीज और निकालनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी आपको निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पहले समझ में आया आपको। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे,
जो जो वैल्यू गिवन है हम लोग वो रखेंगे, वैल्यू रख देंगे भैया तो फिर मेरा क्वेश्चन आ जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, कंडक्टिविटी ऑफ 0.024 मोलर मोलर किसकी यूनिट होती है? कंसंट्रेशन। शाबाश, किसकी होती है? कंसंट्रेशन की। मतलब सी बराबर हमें दिया गया 0.00241, क्लियर है, मोलर। सर एसिटिक एसिड 7.8 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए कंडक्टिविटी इतने सॉल्यूशन की इतनी है, अगर ना पहचान पाओ तो यूनिट से पहचान सकते हो। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती थी? कापा। किसकी यूनिट होती? कापा। कापा 7.8 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी वैल्यू है? कापा। हाँ कापा, कापा ठीक है आ गया। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बोला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम सी। तो एक क्वेश्चन तो यहां तक बन गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं जब आप ये निकाल लें तो फिर कह रहे हैं कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको अल्फा भी निकालना है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, और आपको के भी निकालना है। कब? जब आपको लैम्डा एम नॉट क्या गिवन हो बेटा, क्या गिवन हो? 390.5। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने समझ में आया। ये आपको कंसंट्रेशन दिया गया, कैसे पहचाना? यूनिट से, मोलर। एसिटिक एसिड साइमन सेंटीमीटर में किसकी यूनिट है? कापा की, तो मैंने कापा लिख दिया, ठीक है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कापा, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी क्या? लैम्डा एम सी, जो कि हमें निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के, और ये हमें गिवन है। सर लैम्डा एम सी का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा एम सी का बेटा फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000/c। ये इसमें है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्लियर है आ गया। तो थोड़ा इसको छोटा कर लें जिससे यही लिख जाए हमारा, ठीक है। क्या? कापा इंटू 1000/c। कापा कितना गिवन है बेटा? कापा गिवन है 7.8 × 10⁻⁵, और 1000 और अपॉन सी कितना हो जाएगा? 0.00241। और बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 32.76 आ गया। ये आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। अब सर हमें क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। सर अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा एम सी, देखो लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, क्लियर है ना? क्वेश्चन आराम आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, पर आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप स्लो स्पीड करते हैं, आराम से देख लेंगे। लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम सी कितनी है? 32.76। सर लैम्डा एम नॉट कहां गिवन है? ये गिवन है 390.5। आप जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू आ रही है 8.4 × 10⁻²। आ गया ना अल्फा, आ गया निकालना। चलिए सर अल्फा आ गया। सर के कैसे निकालें? के भी निकल आएगा बेटा, देख लिए इतनी इसी जगह में करना है हम लोग। के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - α, यही तो होता है। क्या सी गिवन है? हाँ गिवन है। क्या अल्फा गिवन है? हाँ गिवन है। बस सी गिवन है, अल्फा गिवन है, रख दो तो वो भी आ जाएगा। सी कितना गिवन है? 0.00241। इसको क्या लिख सकते हो आप? 8.4 है, 0.084 लिख सकते हो। चलो नहीं तो आप ऐसे ही कर दो, 0.084 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 0.084। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1.86 × 10⁵, ठीक है, क्लियर। सॉल्व कर लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं है ना। पहले हम लोगों ने वैल्यू रखी, पहला क्वेश्चन यहाँ था लैम्डा एम सी निकालना है हम लोगों ने, फिर अल्फा निकाला, ये निकाल आएगा तो अल्फा भी निकल आएगा, ये रख दिया, फिर हम लोगों ने के भी निकाल लिया। तो ये दोनों फॉर्मूले मिला के क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार आया हुआ है। इस बार भी चांसेस है कि पेपर में ये क्वेश्चन इस टाइप के आ जाए, सेम तो नहीं कह सकते पर इस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे और बनता है, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं पर एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। पर कोशिश करिएगा जब मैं लिखूं उसी दौरान आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा, या आप जब क्वेश्चन लिख जाए उसको वीडियो को पुश करिएगा, उसके बाद आप लगाइएगा, फिर देखिएगा कि मैंने क्या सॉल्यूशन किया, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं ध्यान से। चलिए सर एक क्वेश्चन और बचा है हमारा,
लास्ट क्वेश्चन है, और इसी टाइप से पार्ट ए की सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने क्या कर लिए, कवर कर लिए पार्ट ए के। चलिए सर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी, क्या बेटा, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ CH3CHH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, क्लियर है, इज 3.905 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। देखिए सेम है, लगभग सेम है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है, मेरे ख्याल से तो सेम ही है लगभग। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, यहां तक तो क्या है सेम है, सेम है ना, यहां तक लगभग सेम है, आप देखिएगा। एंड एंड सर क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें सिर्फ दो ही चीज पूछी है, मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्लियर है सर। और क्या क्या मैंने, एक चीज बेटा और क्या मैंने इसमें, थोड़ा सा अलग बना दिया इन्होंने, लैम्डा नॉट एच प्लस, आपको गिवन है 349.6 यूनिट, नहीं लिख रहा हूं, सेम यूनिट होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और CH3COOH- और 40.9 इसकी वैल्यू गिवन है आपको। चलिए अब सर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलिए आइए मजा करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, मार्कर कहाँ है, ये देखिए, चलिए ठीक है सर। क्वेश्चन कैसे करें सर, नॉर्मल सी बात है बेटा, सबसे पहले इसको दो भागों में बांटो, और पहले जो वैल्यू गिवन है उनको लिखो, और फिर क्या क्या निकालना है वो लिखो, फिर क्या क्या निकालने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है, क्या जो फॉर्मूला लगता है उसकी सारी वैल्यू गिवन है तो ठीक है, नहीं तो वो भी निकालो, ठीक है। चलो पढ़ो, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या मोलर हो, क्या होता है कंसंट्रेशन, मतलब सी 0.001 मोल पर लीटर, ये आपको गिवन है, क्लियर है। ऑफ CH3COOH कंडक्टिविटी इतने सॉल्यूशन की इतनी है, इतने तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो कि इसको समझ पाओ, कुछ लोग समझ जाते हैं ऐसी बात भी नहीं है, पर देखिए जरा ध्यान से, ये यूनिट से ही हम पहचान लेंगे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, कापा की, किसकी यूनिट होती है कापा की, पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, कैसा कंडक्टिविटी मतलब जी जो उसके पास लिखा हो वही वैल्यू, कैसे पहचाना हमने, यूनिट से, ठीक है। पढ़े लिखे लोग ऐसे भी पहचान लेते हैं कि लैंग्वेज समझ के, 3.905 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में, किसी भी न्यूमेरिकल को लगाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले के अंदर जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आने चाहिए, जो भी वर्ड्स लिखे उनकी मीनिंग, और उसकी यूनिट आनी बहुत जरूरी है, आप न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है, लैम्डा एम सी मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिया, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, चलिए वो हम यहां लिखे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा निकालना है, और आपको क्या गिवन है, ये दोनों चीजें गिवन है, क्या गिवन है, लैम्डा नॉट एच प्लस, मतलब गिवन है आपको, मैं यही लिखे रहे मैंने, ठीक है। अच्छा एक बात सुनिए सर, लैम्डा एम सी निकालना है तो लैम्डा एम सी के लिए फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है सर, क्या होता है, पहले जो निकालना उसका फॉर्मूला लिखा करो, कापा इंटू 1000/c, यही होता है, यूनिट ये है, ठीक है। इसके लिए क्या सर, जो फॉर्मूला दिया गया उसमें सारी वैल्यू गिवन है, कापा की गिवन है हमें, हाँ गिवन है, क्या सी पता है, हाँ पता है, तो बस लैम्डा एम सी निकाल लो, कितना 3.905 × 10⁻⁵ × 1000 कितना 0.001 ये गिवन है, ठीक है सर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.003905 यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये क्या आ गया, लैम्डा एम सी, क्या आ गया, लैम्डा एम सी आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा, सर अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूले हमारे पास ये होता है, ये होता है, ये निकाल लिया हमने, ये गिवन है क्या, नहीं, तो पहले ये भी निकालना होता है। अच्छा याद करो कि लैम्डा एम नॉट कैसे निकालते थे, कॉलरॉस लॉ से, और कॉलरॉस लॉ ने कितने स्टेप बोले थे, 3, फर्स्ट ब्रेक द फॉर्मूला, सॉरी फर्स्ट ब्रेक द इलेक्ट्रोलाइट, मेक द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू। सर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है हमारा, CH3COOH, तो सबसे पहले बेटा इसको क्या कर लो, ब्रेक, क्या कर लो, ब्रेक,
टूटेगा ये सी एस थ्री सी डबल ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव, ठीक है, ब्रेक कर दिया। फॉर्मूला बना लो सर, फॉर्मूला कैसे बनेगा, सी एस थ्री सी डबल ओ एच, कैसे, इसका लेमडा एम नॉट प्लस इसका लेमडा एम नॉट, इसका लेमडा एम नॉट प्लस इसका लेमडा एम नॉट। अब पुट द वैल्यू, ये देखो वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 40.9, ये तो गिवन है, सॉरी नेगेटिव, ठीक है। अब एच प्लस की कितने गिवन है 349.6, क्लियर है। तो आप जैसे लैम्डा एम नॉट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस करोगे 390.5 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। सर अब एक चीज और रह गई, पूछो क्या, अल्फा। सर अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा ही तो हमें निकालना था, फॉर्मूला लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम सी अपॉन क्या होता है लैम्डा एम नॉट, क्या लैम्डा एम सी गिवन है हमें, हाँ गिवन है, लैम्डा एम सी कितना गिवन है, ये कितना गिवन है 0.00 नहीं बेटा 0.0 अकेला है 0.03905 और ये कितना गिवन है 390.5। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.0001 यूनिट कोई नहीं होती अल्फा की। और इसी के साथ हम लोगों ने पार्ट ए के न्यूमेरिकल लगा लिए होंगे और आई होप कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से देख के आप समझिएगा, बिना चैप्टर को पढ़े हम लोग कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं ये समझ में आया, कैसे, पहले फॉर्मूले को याद कीजिए, फॉर्मूले के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको याद कीजिए और उनके यूनिट जरूर याद कीजिए, बस अगर ये दोनों चीज याद कर ली तो आप लोग न्यूमेरिकल लगा सकते हो। अब हम लोग पार्ट बी में मिलते हैं, पार्ट बी और पार्ट सी के न्यूमेरिकल और लगाने हम लोग, ठीक है, ओके बाय।